हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए BSTC का मॉडल पेपर 6 लेके आया हूँ। इसमें टोटल क्वेश्चन 50 है और पर क्वेश्चन के 3 नंबर है। ऐसे करके आप लोगों के बन जाते हैं 150 नंबर। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। स्टेट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में सबसे प्राचीन व सबसे नवीन रियासत कौन सी है? तो मैं आपको बता देता हूँ, स्वतंत्र जैसे ही प्राप्त हुई तो बात हम कर रहे हैं 1947 के बाद की। तो इसके बाद में जो मेवाड़ है, झालावाड़ है, वो सबसे प्राचीन व नवीनतम है। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो वृहद राजस्थान के नाम से राजस्थान के चतुर्थ चरण को जाना जाता है। हम 25-25 क्वेश्चन की दो लाइव क्लास का जुगाड़ करेंगे। दो क्लास होगी 25-25 नंबर की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गांव किस जिले में बसे हुए? तो राजस्थान में सर्वाधिक गांव है वो गंगानगर जिले में बसे हुए। नागफली के और सज्जनगढ़ की पहाड़िया किस जिले में विस्तृत है? तो नागफली व सज्जनगढ़ की पहाड़िया वो उदयपुर जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला यह विषैला सर्प जो सांस में भी विष भर देता है, तो उस पर की क्वालिटी को कहते हैं पीवड़ा। पीवड़ा एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो सांप यदि हवा में सांस भी ले तो वो वहां की हवा को जहरीली कर देता है। राजस्थान में वाष्पोत्सव के वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में मिलती है? तो सबसे अधिक के वो जैसलमेर जिले में मिलती है, क्योंकि आप तो जानते हो कि जैसलमेर के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड नॉर्मली पड़ती है, जिसके कारण घड़ियालों के संरक्षण है तो कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया है? तो घड़ियालों के लिए जवान सागर अभ्यारण कोटा। बनास नदी पर विशलपुर बांध किस जिले में बनाया गया? तो टोंक जिले में बनास नदी पर विशलपुर बांध बनाया गया। गोकुंदा की पहाड़ियों में निकलने वाली आयर नदी का उदयसागर झील से निकलने के बाद क्या कहलाती है? तो वो बेड़च नदी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फोरम कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फोरम है वो सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। कपास की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता? तो स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है। राज्य की वह बोली जिसमें सिंधी भाषा के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है तो उसे थली कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाला जालारी कुंडलिया के रचयिता कौन है? तो हाला जालारी कुंडलिया के रचयिता ईश्वरदास भारट जी हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो वस्त्र एंड आभूषण के ऊपर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, चौगा कुर्ती है वो कहाँ पहना जाता है आपको पता है, तो उसका सही आंसर है पटका। अगला, शरीर के ऊपर भाग में कमर या घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? देखिए, शरीर के ऊपर यदि कमर या घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र है वो अंगरखी कहलाता है। चैत्र व आश्विन नवरात्रों में किस देवी की पूजा की जाती है? नवरात्रि की बात करें तो शीला माता की भी की जाती है, करणी माता की भी की जाती है, जीर्ण माता की जाती है, वैष्णो देवी की भी की जाती है। ऐसा करके सभी देवी है जितनी भी, उन सब देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो इसके लिए इसका उपयुक्त सही जवाब सही होगा। सुमेलिखित तो युग्म सही नहीं है। भदाणा माता का मंदिर है वो कोटा में, छीच माता का मंदिर डूंगेपुर में नहीं है, छीक माता का मंदिर जयपुर में स्थित है, और डी है ज्वार माता का मंदिर जवानेर में स्थित है। संत चरणदास जी का जन्म किस गांव में हुआ था? चरणदास जी का जन्म है आपको बता दो, डेहर का बालाजी जयपुर में नहीं हुआ था, मुंडारावा दौसा में नहीं हुआ था, डोरडा जलोर में नहीं हुआ था, डेहरा गाँव अलवर में हुआ था। अर्जुन लाल प्रजापति को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री मिला था वह है? देखिए, अर्जुन लाल सेठ प्रजापति का नाम आ जाए तो मैंने आपको बता देता हूँ कि अर्जुन लाल प्रजापत एक बेस्ट मूर्तिकार है। तो यार, मूर्तिकार है तो ये तो चीज़ है नहीं कि मूर्तिकार होने के बाद वो गीत गाएंगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। पश्चिमी राजस्थान की ख्याति प्राप्त कलाकारों को आवश्यकता परीक्षण देने के लिए मलुकरा ग्राम, जहाँ मरु ग्राम आ जाए वहाँ पर आपको कुछ नहीं, मरु यानी जैसलमेर, एक चीज़ फिक्स रख लेना, जहाँ मरु शब्द आ जाए वहाँ पे किसी को और को नहीं डालना है, ओनली एंड ओनली जैसलमेर को। बनेश्वर के आदिवासियों की कुंभ भरता पौष पूर्णिमा को
मार्ग पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, इसका मतलब पूर्णिमा को तो भरता, तो आपको ये तो चीज़ फिक्स है। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है, ये भी फिक्स है। तो यार माघ की पूर्णिमा है वहाँ को भरा जाता है। केशवरापाटन मंदिर बूंदी समर्पित कहाँ स्थित है, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाला या समर्पित भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह किला जिसकी आज़ादी की असीमता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, तो वहाँ पे ये है चूरू का किला। क्योंकि चूरू का किले की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वो काफ़ी आर्थिक रूप से समृद्ध था वो किला, चाहे तो उन्होंने जब बारूद ख़त्म हो गया था तो चांदी के गोले बना के उसके दुश्मनों के ऊपर दागे थे। सिवी जनपद के सिक्कों का संबंध किस सभ्यता से, तो नगरीय माध्यमिका से संबंधित है। विमर्शाला में आबू के दिलवाड़ा गांव में भगवान आदिनाथ की मंदिर कब बनवाया गया, भगवान आदिनाथ का मंदिर है वो 1031 ईस्वी में बनाया गया। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्द इसका पार्ट टू लेकर आ रहा हूँ, तो यार वो पार्ट टू जरूर देखिएगा। उसके ऊपर भी अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो पार्ट टू के अलावा आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करवा दूंगा। दोस्तों अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप डाउट नॉट के व्हाट्सअप नंबर 8400400400 पे अपने क्वेश्चन की फोटो करके क्लिक करके सेंड कर सकते हो। आपको कम से कम 10 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार डाउट नॉट की वेबसाइट को जरूर ओपन करें।